गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पीयूष बिंदवा सप्तम पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। यहां मैंने पहला श्लोक लिखा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। यानी कहने का मतलब है कि मेहनत से कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, परिश्रम करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। ठीक है, परिश्रम करने से क्या होते हैं? कार्य सिद्ध होते हैं। इच्छा रखने से नहीं, यानी कि मन को रखने से नहीं। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार जो है सोए हुए सिंह के मुख में मृगा प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है, यथा ही एकेन चक्रे न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुष कार्येण बिना दैवम न सिद्ध्यन्ति। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक पहिए वाले जो है रथ की गति संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना केवल जो है भाग्य जो है कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। एक बार मैं और बता दे रहा हूं, यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुष कार्येण बिना दैवम न सिद्ध्यन्ति। ठीक है, ठीक जो है जिस प्रकार एक पहिए वाले रथ जो है गति संभव नहीं होती है, यानी कि एक चक्के से कोई जो है रथ जो है संभव गति को नहीं कर सकता है, ठीक वैसे ही उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना जो है केवल भाग्य से जो है कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। अगला कर है, चंद्रम शीतलम लोके चंद्रनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर्मध्ये शीतला साधु संगते। संसार में चंदन को शीतलता माना जाता है या शीतल माना जाता है, लेकिन चंदन से भी शीतलता, चंद्रमा जो है चंदन से भी शीतलता होता है। अच्छे मित्रों का साथ जो है चंद्र और चंद्रमा दोनों की तुलना में क्या है? अधिक शीतलता वाला होता है। ठीक है, समझिए। अगला है वृथा वृष्टि, अगला है वृथा वृष्टि समुद्रेशु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। वृथा मतलब बेकार, बेकार है समुद्र को वर्षा होना। जहां समुद्र है वहां वर्षा होना क्या है? बेकार। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जो लोग संतुष्ट हैं उसको भोजन देना क्या है? बेकार है। वृथा दान समर्थस्य, जो समर्थवान लोग हैं उनको दान देना क्या है? बेकार है। वृथा दीपो दिने यथा, ठीक वैसे ही दिन में दिया जलाना क्या है? बेकार है। अगला कर है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः न हेतु सवर विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यानी कहने का मतलब है कि जल के एक एक बिंद करके जो है पूरे घड़े जो है क्रमशः भर जाते हैं, और ठीक उसी प्रकार धर्म और धन के कारण सभी जो है विद्याएं हैं। धर्म और धन जब रहता है सभी विद्या रहती हैं। लास्ट कहा गया है, अवशस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। यानी कि आलसियों, अगर कह रहा है अवशस्य कुतो विद्या, आलसियों को विद्या कहा। अवशस्य कुतो विद्या, अवशस्य माने आलसी, कुतो माने कहा, विद्या माने विद्या, आलसियों को विद्या कहा। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या ही नहीं है उसके पास धन कहा। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन ही नहीं है उसके पास मित्र कहा। ठीक है, अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास मित्र ही नहीं है उसके पास सुख कहां से। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और पढ़िए बार।